एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर है वो आज जो है सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सुबह सुबह की बात हम करने वाले हैं टोटली। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग प्यारी सी, खूबसूरत सी, एनर्जेटिक एनर्जी के साथ। एंड आप सबको बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, आप लोग बेशक बेझिझक आप लोग आ सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। ठीक है, तो चलिए आपको मैं जो है दिखाती हूँ क्या है कार्ड्स। एंड एक बहुत ही प्यारा सा फीडबैक आया है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा फीडबैक है। ईश्वर उनको और उनके बच्चे को सलामत रखे। अब जो भी आ रहा है इस दुनिया में सो उसके लिए जो है मेरी ब्लेसिंग्स रहेंगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत 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 बधाई। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। ओके, ओके, सो यहाँ पे टू कार्ड्स निकल के आए हैं। टू कार्ड्स हैं यहाँ पे, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, या है मेरे पास वर्ल्ड की एनर्जी। ओके, वन मोर कार्ड, या है मेरे पास मून की एनर्जी, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था, द टावर की एनर्जी है। ओके, क्या सोच रहे थे आज सुबह सुबह मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? ओके, डेथ का कार्ड है यहाँ पे। वेरी नाइस, सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ मेरे पास, है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बात करते हैं कार्ड्स की, तो कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं? कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, सबसे पहले तो साइन बताती हूँ सबसे पहले, क्योंकि साइन नहीं बताऊँगी तो कहोगे दीदी साइन नहीं बताया आपने, दीदी ये नहीं बताया आपने। चलिए, साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, यहाँ है कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ एरीज भी है, स्ट्रॉन्ग है एरीज। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आप लोगों के बीच में आ चुका है पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका जो रिश्ता है ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब होता है ना कि टॉक्सिक हो गया था या टॉक्सिक हो गया है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर आपके साथ जो भी है, जो भी है, जैसा भी है, ये पर्सन अगर करने की चाहत रखते हैं तो ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन के अंदर थोड़ा सा मुझे वो अकेलापन, वो खालीपन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। आपके पार्टनर को लेट नाइट जो है नींद नहीं आती है। ये पर्सन अक्सर उठ करके आपके सपने देखना या आपको विजुअलाइज करना, ये पर्सन की एनर्जी में मुझे फील हो रहा है। मुझे ऐसा भी दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ही अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जैसे कि तकलीफ़ में है, अंदर ही अंदर दर्द में है, अंदर ही अंदर जैसे कि घबरा से गए हैं आपके पार्टनर, और अंदर से ये पर्सन इस तरीके से दुखी हो चुके हैं, इस तरीके से दुखी आत्मा बन चुके हैं कि आपके पार्टनर को मतलब समझ नहीं आ रहा है कि पर्सन का जीवन क्या है।
आपके बात आपके पार्टनर जो है ना, लोगों की बातें सुन करके भी काफ़ी हैरान है, काफ़ी परेशान है, क्योंकि लोग भी इनको ब्लेम बहुत कर रहे हैं, लोग भी इनको बहुत ब्लेम कर रहे हैं, जैसे कि इनके जो रिश्तेदार हैं या फ्रेंड्स हैं, अगर रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं तो वो लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं भी जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के इनको ब्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत बर्बाद कर दी है, बहुत ख़राब कर दी है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो खूबसूरती के साथ जीने जिसको कहते हैं, जीना जिसको कहते हैं, वो खूबसूरती के साथ आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पाए हैं, खूबसूरती के साथ आपके पार्टनर आपके साथ रह नहीं पाए हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर सेवन ऑफ वांड्स की एनर्जी में हैं। आपके पार्टनर को जो है आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि होता है ना कि सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड है, सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि आपका जो रिश्ता है, ठीक है, आपका जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। एंड मैं देखूँ तो आपके रिश्ते में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर जो है बहुत परेशान है अंदर से, जो है ये पर्सन के अंदर परेशानी आ रही है, क्योंकि एक तो जो लोग बोल रहे हैं उनकी बातों के ऊपर इनका ध्यान जाना, इनका जो है फोकस ज़्यादा चला जाता है उस पर्सन की बातों के ऊपर। एंड मुझे ये भी फील होता है कि जैसे कि कभी कभी होता है ना कि हमें समझ नहीं आता है कि यार क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे दिख रही हैं। आपके पार्टनर थोड़ा सा माइंड से डिस्टर्ब चल रहे हैं, माइंड में इनके जो थॉट्स हैं ना वो कहीं ना कहीं बार 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 इनको है ना बार बार इनके ऊपर अटैक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर को मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं अपनी लाइफ में पूरी तरीके से डिस्टर्ब हैं, क्योंकि एक तरीके से इनको सपोर्ट करने वाला अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। मन में इनके बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंता है, आपको लेकर के भी और अपनी फैमिली का तो एक अलग ही वे है, लेकिन आपको लेकर, इस फ्यूचर को लेकर के, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत टेंशन आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, द टावर का कार्ड है। द टावर की एनर्जी मुझे क्लियरली बताती है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में है, होता है ना कि हाँ टावर की एनर्जी है, और मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि चलो ठीक है, टावर की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं, है ना, तो समझ नहीं आता है कि आपके पार्टनर कैसे एक्सप्रेस करे। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन इनके सामने आ जाती है। देखिए क्या है कि यहाँ टावर की एनर्जी जो कि बताती है कि अचानक से आपके प्यार में जो ये तकरार आई है या ब्लॉकेजेस जो आए हैं, ये ब्लॉकेजेस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि क्यों यार ये ब्लॉकेजेस क्यों आ जाते हैं, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्यों मेरे ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी ऐसे हैं जो कि जानबूझकर आपके रिलेशनशिप में टांग अड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुश्किलें खड़ी कुछ अपने ही लोग हैं जो कि करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, डेथ का कार्ड है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं कहूँगी कि यहाँ पे इस रिश्ते को आगे लेके जाना या आगे लेकर के जाने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही दिखता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि नो कॉन्टैक्ट, मतलब नो कॉन्टैक्ट आ ही जाता है या आना यहाँ पे दिख रहा है कि नो कांटेक्ट जोन, यहाँ पे एक होता है ना कि नो कांटेक्ट जोन जब बर्दाश्त नहीं होता है तो इंसान क्या होता है, इंसान को लगता है कि यार चलो यार ख़त्म करो, अब हम आगे बढ़ते हैं, जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं, तो वो वाला सिस्टम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर के अंदर मुझे क्लैरिटी दिख रही है, आपके पार्टनर मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहे हैं, काफ़ी क्लैरिटी के साथ ये पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं। एंड मुझे इन्वॉल्वमेंट काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि यस, ये पर्सन जो है ना इन्वॉल्व होने की चाहत रखते हैं बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा वाइब, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी के साथ मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के जो है
जो अपना माइंडसेट बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर ना आपको छोड़ के कहीं और जाने की स्थिति में तो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सुबह सुबह की जो फीलिंग्स होती है ना, वो काफ़ी मतलब या तो बहुत पॉजिटिव होंगी या बहुत निगेटिव होंगी। तो आपके पार्टनर के अंदर वो पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा आती हुई दिख रही है, क्योंकि इनके जो थॉट्स हैं ना वो रोते हुए हैं। ठीक है, आपको खोने का दुख, आपके चले जाने का दुख आपके पार्टनर के अंदर सताए जा रहा है, और ये पर्सन उस चीज़ से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। मुझे ऐसी स्थिति, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, मेरे पास है यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे चैरियट की एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है चैरियट की एनर्जी। सो एक्शन लेने की बात अगर हम करें, तो एक्शन आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखता है कि आपके पार्टनर जो है, देखो ये पर्सन की आदत है आपके साथ इन और आउट सिचुएशन में चले जाना, या इन और आउट सिचुएशन में मतलब एक होता है ना कि हाँ आता जाता रहता है इंसान आपकी लाइफ में, और खुद भी डिस्टर्ब होता है और आपको भी डिस्टर्ब करता है। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी फील हो रही है मुझे, जहाँ पे डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ जितना भी कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन है, देखिए आपका आपके पार्टनर के साथ थोड़ा स्लोली 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 रिलेशनशिप में आगे बढ़ना ये पर्सन की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन फैमिली की बातें बहुत मानते हैं, या कहें तो फैमिली इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपसे भी इम्पोर्टेंट इनकी फैमिली है। एंड फैमिली का क्या है, ये पर्सन के अंदर ऐसा लगता है जैसे कि इनकी जो भी है, जो भी चीज़ें हैं वो फैमिली को लेकर के है। फैमिली है तो ऐसा है, फैमिली है तो वैसा है, फैमिली नहीं है तो ऐसी है, फैमिली नहीं है तो वैसा है। ठीक, तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जो कि आपके पार्टनर के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी वाइब, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपका आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है, देखिए आपके पार्टनर भली भांति जानते हैं कि इनको दुनिया के नज़र में भी बुरा नहीं बनना है, या दुनिया की नज़र में ऐसा नहीं बन जाना है, या ऐसे नहीं दिखा देना है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको जो है आपके सेपरेशन से या आपसे सेपरेट होने के बाद इनको कोई तकलीफ़ नहीं है, या फिर कहें तो इस पर्सन को वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखाना है जैसे कि नल्ला टाइप का है ना, जैसे कि होता है ना कि हाँ मतलब तकलीफ़ में आना, दर्द में आना, ये सारी चीज़ें जो है ये पर्सन नहीं दिखाना चाहते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं जो फील कर रहा हूँ वो मैं फील कर रहा हूँ और वो मैं दिखाऊंगा नहीं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी में है, आपके पार्टनर एक्शन लेने की एनर्जी में है, में भी है। तो कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो आपके पार्टनर अपने आप को थोड़ा सा मतलब होता है ना कि हाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। ये पर्सन के अंदर वो सोच विचार करती हुई एनर्जी ही आ रही है। सोच विचार करना यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन सोच विचार कर रहे हैं, सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, सोच विचार करके इस रिश्ते को जो है ना मतलब बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं ये पर्सन, बहुत बेहतरीन। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है जस्टिस की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर जस्टिस करना चाहते हैं, जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं। एंड जस्टिस यहाँ पे करना बनता है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस जस्टिस करना बनता है, जस्टिस करना है आपके पार्टनर को, जस्टिस करेंगे तभी जो है इस रिश्ते को जो है आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है कि रियलाइजेशन होता है ना कि हाँ नो कॉन्टैक्ट में हम चले गए, लेकिन सामने वाले का क्या, सामने वाला जो है इतनी तकलीफ, इतना पेन झेल रहा है, सामने वाला जो है इतना ज़्यादा जो है मतलब एक होता है ना कि अंदर से अकेला है, तो सामने वाले की भी वैल्यू हमें करनी है, सामने वाले की भी वैल्यू को पहचाननी है, तो उसके लिए भी हमें जो है ना बहुत फोकस रहना पड़ता है, बहुत ही फोकस रह करके आपके रिश्ते को संभालना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके रिश्ते को थोड़ा सा जो होता है ना कि आपके रिश्ते को लेकर के कहीं ना कहीं
मतलब एक होता है ना कि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तो ये वाली एनर्जी भी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपका जो रिश्ता है जस्टिस की एनर्जी में है। जस्टिस का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि आपका रिश्ता, मतलब आपका रिश्ता कुछ ऐसा ही है, या आपका रिश्ते में कुछ ऐसी ही एनर्जी है जहाँ पे मैं देखूँ तो ब्लॉकेजेस बहुत हैं, ठीक है। वो ब्लॉकेजेस आपको तोड़ने में टाइम लगेगा एंड आपके पार्टनर का एक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा, हील होना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा इस रिश्ते को, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, यही चीज़ें मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही हैं कि आपके साथ होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, और पेशेंस रखिए। 5 डेज, 5 वीक्स, 5 मंथ, ठीक है, 5 मंथ के अंदर मुझे दिखता है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। सो चलिए फिर यहीं पे करते हैं रीडिंग को अपनी ख़त्म, और मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंड जो लोग भी आना चाहते हैं मुझसे अपनी पसंद टैरो रीडिंग लेना, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी दूसरी रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।